हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के दो पॉइंट्स के बारे में। अगला जो पॉइंट्स आएगा अपना तीसरा पॉइंट कि राष्ट्रपति का इलेक्शन पूरा हुआ, राष्ट्रपति की योग्यताएं पूरी हुई, और आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पद की शर्तें। पद रिक्तता कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस प्रकार से खाली हो सकता है। तो पहली कंडीशन आती है डेथ, कि यदि भारत में राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु हो जाती है तो उसका पद खाली हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाती है, पद खाली होने के बाद भारतीय संविधान में ये प्रक्रिया है कि इस पद को भरने के लिए कार्यवाहक रूप से जो राष्ट्रपति पद पे काम करने आएंगे उनमें सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी उपराष्ट्रपति को, कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति काम चलाने के लिए राष्ट्रपति पद पे काम करता है, जिसको हम कहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। भारतीय संविधान मूल संविधान में केवल इतना स्पष्ट था, लेकिन जब कंडीशंस बनी तो इसमें एक प्रावधान और जोड़ दिया गया कि उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर कार्य करेगा। देखिए कंडीशंस कब आई, कि जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हुई भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर मृत्यु हुई, राष्ट्रपति पद पर मृत्यु हुई। जब राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु हुई तो संविधान में प्रक्रिया थी कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद पर काम करेगा। तो इस समय उपराष्ट्रपति जो थे वो वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी महोदय राष्ट्रपति पद पर काम चलाने के लिए आए कार्यवाहक रूप से, लेकिन कुछ समय बाद वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनना था तो इन्होंने तय किया कि उपराष्ट्रपति पद से मैं रिजाइन दूंगा, तभी मौका मिल पाएगा प्रचार का। तो फाइनली वीवी गिरी ने कुछ दिन तो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पे काम किया, लेकिन इसके बाद इन्होंने भी अपने पद से रिजाइन कर दिया। इन्होंने पद से रिजाइन किया अपने पद से उपराष्ट्रपति पद से। अब एक नया संकट क्रिएट हो गया भारतीय संविधान के अंतर्गत कि जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति आता है। लेकिन ये वो समय था जब भारत में राष्ट्रपति भी नहीं था और उपराष्ट्रपति ने भी पद से रिजाइन कर दिया था। इस समय संविधान निर्माताओं ने यह देखा कि इस पद पर महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन आ सकता है, तो फाइनली सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो इस समय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, इन्होंने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति पद पे कार्य किया। और आफ्टर इट वीवी गिरी इलेक्शन के लिए खड़े हुए और इलेक्शन जीत जाते हैं और वीवी गिरी इस बार निर्वाचित रूप से राष्ट्रपति बन के आते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति की अगर पद पर मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पे काम करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को होता है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर कार्य करता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इस पद पर कार्य करेगा। लेकिन इतनी कंडीशन अभी सामने आई नहीं है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती तब भी इस पद को भरा जा सकता है। दूसरी कंडीशन रिजाइन कि भारत का राष्ट्रपति अगर पद से स्वेच्छा से रिजाइन करे तो भी इसका पद खाली हो जाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया तो उपराष्ट्रपति का फर्ज बनता है कि ये सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना दे। तो यहां से आपका एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। तो दो कंडीशन आपके सामने क्लियर हुई कि राष्ट्रपति के पद खाली होने की। इसके बाद तीसरी कंडीशन कि यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके चुनाव को अवैध घोषित कर देता है तब भी इसका पद खाली हो जाता है। और चौथी कंडीशन कि यदि किसी भी राष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए संविधान के नियमों के खिलाफ कार्य किया है, यानी संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है, तो भारतीय संविधान में प्रक्रिया है कि संसद उसको महाभियोग लगाकर हटा सकती है।
तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग का जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। तो इस प्रकार से चार पॉइंट वे राष्ट्रपति को पद खाली होने के मृत्यु, त्यागपत्र, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाना और संसद के द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जाना। अब देखिए समझते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग मतलब इम्पैचमेंट कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से महाभियोग लगा के हटाते हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रक्रिया कि राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी बातें हमने अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है, तो यूएसए से ग्रहण की है। दूसरी बात कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। यह भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हुआ कि महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से आई और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका पूरा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कंडीशन, महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास है और जो महाभियोग लगाने का कारण है वो केवल एक ही कारण है और वो है संविधान के नियमों का अतिक्रमण। कि यदि किसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है तो उस पर संसद महाभियोग लगाएगी। अब संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां शुरू होगा? तो संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है और लोकसभा में भी शुरू हो सकता है। लेकिन शुरू करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें कंडीशन नंबर 1 कि महाभियोग तभी प्रक्रिया में आ सकता है जब लगाने वाले सदन के 1/4 सदस्य हों। जैसे मान लो राज्यसभा में महाभियोग लग रहा है तो राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं उनमें से 1/4 सदस्य ही महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि लोकसभा में होगा तो ये कंडीशन सेम होने वाली है। कहने का मतलब 1/4 सदस्य एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं और उस एप्लीकेशन में क्वेश्चन मार्क लिख के लिखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने इन जगहों पर संविधान का उल्लंघन किया है और उसके साक्षी 1/4 सदस्यों को मान लिया जाता है। यानी 1/4 सदस्य उस एप्लीकेशन पर साइन कर देंगे तो ये एक महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जब 1/4 सदस्य इस एप्लीकेशन पर साइन कर देते हैं तो ये एप्लीकेशन सबसे पहले राष्ट्रपति के पास पहुँचती है और ये एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास रहती है 2 सप्ताह तक। इन 2 सप्ताह में भारत का राष्ट्रपति 1/4 सदस्यों से स्वतः ही खुद आके मिल सकता है या फिर किसी अपने एक कैंडिडेट को भेज सकता है। जब 2 सप्ताह पूरे हो जाते हैं यानी 14 दिन जब समाप्त हो जाते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एक कॉपी सदन के मुखिया के पास पहुंचती है। मान लो अगर राज्यसभा में 1/4 सदस्यों ने महाभियोग लगाया है तो उस 14 दिन के बाद राज्यसभा का जो मुखिया है, सभापति, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यह महाभियोग की फाइल उपराष्ट्रपति के पास पहुंचती है सभापति होने के नाते। और जब सभापति के पास यह फाइल पहुंच जाती है, जरूरी नहीं है सभापति के पास आए, अगर सदन लोकसभा के सदस्य लोकसभा के हैं तो यह फाइल पहुंचेगी अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास। यदि सभापति या फिर अध्यक्ष दोनों में से किसी एक के पास जब ये फाइल आती है तो दोनों के पास अधिकार होता है कि ये चाहें तो इस फाइल को एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहें तो रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशंस में एक्सेप्ट करते हैं। यदि सभापति इस फाइल को एक्सेप्ट कर लेता है तो सभापति का अधिकार बनता है कि वो अपने सदन के कुल सदस्यों के सामने ये प्रस्ताव रखे। जब राज्यसभा का सभापति उस फाइल को पढ़ के सुनाता है सभी सदन के सदस्यों के सामने तो सारे सदस्यों में से अगर 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में हो जाते हैं, यानी मान लेते हैं कि कंडीशंस बिल्कुल ठीक थी,
राष्ट्रपति पर यह कार्यवाही होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये एक सदन द्वारा पारित समझा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि महाभियोग को लगाने के लिए 1/4 सदस्य होने चाहिए और सदन में पास करने के लिए उनकी संख्या 2/3 होनी चाहिए। यदि एक सदन ने उस महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया है तो ये प्रस्ताव जांच होने के लिए जाता है दूसरे सदन में। जांच होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, ये दूसरे सदन में जाता है। यदि राज्यसभा ने पास किया है तो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा ने पास किया है तो राज्यसभा में जाएगा। तो ये दूसरा सदन उसकी जांच करता है। और यदि जांच करते हुए ये भी मान लेते हैं 2/3 सदस्य इसके पक्ष में हो जाते हैं तो ये महाभियोग उसी दिन पारित हो जाता है और भारत के राष्ट्रपति को पद खाली करना होता है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो प्रावधान है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अभी तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसको महाभियोग लगा के हटाया गया है। तो देखिए, महाभियोग के बारे में एक फैक्ट और को याद रखिए कि यह संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो यहां से आपके बहुत सारे सवाल हुए कि भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से स्टार्ट होती है। तो देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली और महाभियोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में रखा। और महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास होता है। कारण केवल एक ही होता है, नियमों का उल्लंघन। यदि नियमों का उल्लंघन कर देता है भारत का राष्ट्रपति तो संसद उसको महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाती है। अब संसद में दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, ये प्रस्ताव कहीं भी लग सकता है। कहने का तात्पर्य है संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, इसके साथ ही साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राज्यसभा लोकसभा महाभियोग प्रक्रिया को स्टार्ट करेगी। स्टार्ट करने के लिए 1/4 सदस्य होने चाहिए और 1/4 सदस्य प्रस्ताव को स्टार्ट कर देते हैं तो ये इसकी एक कॉपी राष्ट्रपति के पास पहुंचती है जो 2 सप्ताह तक वहाँ रहती है। 2 सप्ताह के बाद ये फाइल आगे बढ़ती है और सदन के मुखिया के पास पहुंचती है। यदि राज्यसभा में प्रोसेसिंग स्टार्ट किया तो सभापति के पास पहुंचेगी और लोकसभा में स्टार्ट किया तो अध्यक्ष के पास पहुंचेगी। दोनों के पास अधिकार होता है कि फाइल को चाहें तो एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें। यदि फाइल को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो सारे सदन के सदस्यों के सामने पेश करते हैं, और यदि सदस्यों के सामने पेश कर देते हैं और इसके पक्ष में 2/3 सदस्य हो जाते हैं तो एक सदन द्वारा महाभियोग पारित समझा जाता है। जब एक सदन उस महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देता है तो इसकी जांच दूसरे सदन में की जाती है, और दूसरा सदन भी अगर 2/3 सदस्य के बहुमत से इसको पास कर देता है तो उसी दिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। लेकिन बड़ी रोचक बात है कि भारतीय संविधान में अभी तक महाभियोग प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार से आज हमने 2 टॉपिक पर डिस्कस किया कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या होती हैं और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। अगले वीडियोज में हम कवर करेंगे कि राष्ट्रपति की पूरी पावर क्या है। यानी राष्ट्रपति भारत के संविधान में नाममात्र की शक्ति रखता है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो वे स्वयं विवेक के आधार पर उन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें संसद के संबंध में शक्ति होगी, कार्यपालिका के संबंध में शक्ति होगी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में शक्तियाँ होंगी, इमरजेंसी की पावर होगी, मिलिट्री पावर होगी, पार्डोनिंग पावर होगी। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ। आप अगले वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहें।